में बढ़ते क्राइम के बीच कुछ सुकून भरी खबरें आई हैं। दो लूट मार किए गए अपराधियों को पुलिस ने चिन्हित कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। बलौर में हुए 1 लाख रुपये मोटरसाइकिल की लूट और 27 छो को स्वर्ण व्यवसायी विक्की कुमार के साथ मारपीट और बैग छीनने का विफल प्रयास को लेकर पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और 5ों को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया गया है। बताया जाता है कि 5 जून को दीपक कुमार, जो कि बलौर के रहने वाले थे, उन्होंने लिखित आवेदन दिया था कि 5 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा 1 लाख रुपये, वीवो कंपनी का 2 एंड्रॉयड मोबाइल, 1 पैशन प्रो मोटरसाइकिल, एक डकैती कर भाग जाने के आरोप में एक आवेदन दिया था। उसके बाद 27 छो को विक्की कुमार, जो कि दया चक्कर रहने वाला था, उन्होंने आवेदन दिया कि 10 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पिस्टल के बट से मारने और चैन छीनने का आरोप लगाया था, जिस पर बाढ़ थाने की पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। और जिसके बाद बाढ़ ASP ने बताया कि SIT की गठन की गई थी और उसके बाद छापेमारी कर बाढ़ ही नहीं, धनबाद और बंगाल से भी कुछ अभियुक्तों को चिन्हित किया गया। वहीं बताया गया कि धनबाद से भी कुछ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जहां कि वो झारखंड पुलिस के कस्टडी में, उन्हें वहां जेल भेजा गया। वहीं बंगाल से भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया और सभी अभियुक्त जो है बिहार के ही रहने वाले हैं। सभी की, जहाँ के बाढ़ ASP ने बताया कि सभी की दोस्ती जेल में हुई थी, जेल में ही सब दोस्ती कर एक बड़ा गिरोह तैयार किए और लूट मार की घटना को अंजाम देने लगे। ब्रज किशोर, पिंकू, ब्रेकिंग न्यूज, बाढ़। लूट के जो कांड, पुराने कांड थे, उनका उद्भेदन के लिए तथा ऐसे गंभीर कांडों पे रोकथाम लगाने के लिए बाढ़ थाना अध्यक्ष के अंतर्गत के अधीन एक SIT का गठन किया गया था लगभग आज से 15-20 दिन पहले। उसी के लगातार परिश्रम से बाढ़ पुलिस को आज एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके अंदर बाढ़ के कांड संख्या 389-24 और 450-24, जिसके अंदर एक जो था वो डकैती का केस था, जिसमें एक आदमी से, वादी से 1 लाख रुपए, उसका प्लेटिना का बाइक तथा 2 एंड्रॉयड फ़ोन लूट लिया गया था। और दूसरा था जो स्टेशन चौक के पास में स्वर्ण के जो व्यापारी थे उनके साथ मारपीट हुआ था डकैती के क्रम में ही, तो उन दोनों का उद्भेदन हुआ है। साथ ही साथ जो यहाँ पे 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, उन लोगों से पूछताछ में यह एस्टेब्लिश होता है कि वो एक संगठित गिरोह के पार्ट हैं, यह एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम चलाते थे जिसके अंदर अंतर्राज्यीय वो लोग सभी चीज़ों में इन्वॉल्व थे। इन्हीं गैंग के 3 मेंबर आज से लगभग 1 हफ्ता पहले धनबाद में भी अरेस्ट हुए हैं तथा 1 आदमी कोलकाता बंगाल में अरेस्ट हुआ है। इनके अंदर पूछताछ में हमें ये पाया गया है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग के मेंबर थे, जिसके अंदर सभी लोगों का जो काम था वो बहुत अच्छी तरीके से अलग अलग डिफ्रेंशिएटेड था। कुछ लोगों का काम वहाँ पे रेखी करना था, कुछ लोगों का काम हथियार लाना था, कुछ लोगों का काम लूटना था तथा कुछ लोगों का काम वहाँ पे जाके उस जो लूटा हुआ सामान था उसको आगे बेचना था। इसी तरीके से ये पूरी गैंग का पर्दाफाश करते हुए आज हमने बाढ़ पुलिस ने 5 लोगों की गिरफ्तारी की है। इसमें से 3 लोगों का गिरफ्तारी बाढ़ से हुआ है, 1 आदमी का गिरफ्तारी नूरसराय तथा 1 आदमी का गिरफ्तारी कियूल से हुआ है। झारखंड और बंगाल से रिश्ता जोड़ रहे हैं सर, वो भी अपराधी क्या बाढ़ के कांड में शामिल थे क्या? बिल्कुल, वो जो 389-24 है उसके अंदर 5 अज्ञात के विरुद्ध वो केस दर्ज कराया गया था, जिसमें से एक जो व्हाइट बोलेरो, न्यू बोलेरो थी जो कि कांड में यूज हुई थी, वही व्हाइट बोलेरो 450-24 में भी यूज हुई थी और उसी को ही धनबाद में बरामद भी किया गया है। तो जो 3 लोग वहाँ से वहाँ पे गिरफ्तार हुए हैं वो भी इस कांड में संलिप्त थे, उनका भी रिमांड हमारे द्वारा कराया जाएगा। सर, बिहार से बाहर के भी कोई अभियुक्त है इसमें से? बिहार के बाहर से कोई अभियुक्त नहीं है, लेकिन सभी लोग पटना के नहीं हैं, कुछ लोग शेखपुरा के हैं, कुछ लोग नूरसराय नालंदा के हैं और कुछ लोग पटना के हैं। तो ये सब मिलकर सर एक साथ अन्य जिला में भी क्राइम को अंजाम दे? बिल्कुल, इनका जो भी अपने आपराधिक इतिहास देखा है उसके अंदर सभी के ऊपर कम से कम 2 से ज़्यादा केस हैं और केसेस सभी इसी तरीके के हैं, लूट का, डकैती का, चोरी का, आर्म्स एक्ट का। तो गंभीर कांडों में ये सब लोग पहले भी जेल जा चुके हैं और ये वहीं से ही, इनका जो भी हमने पूछताछ में पता चला है कि वहीं से इनका गैंग जो है जेल में इनका बढ़ता चला गया, वहाँ पे एक दूसरे से इनकी मुलाकात हुई और उसके बाद इन्होंने आगे भी कई कांडों को अंजाम दिया।